नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल किसान भाइयों में एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे किसान भाई देख रहे हैं, जो टमाटर की खेती है, जो हमारे किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं, वो किस ब्रांड का टमाटर चयन करें और किस विधि से नर्सरी तैयार करें, किस विधि से खेत का रखरखाव करें तो उनको अत्यधिक लाभ मिले, जो वो लागत लगाते हैं उस लागत से उनको अत्यधिक मुनाफा मिल सके, हम पूरी जानकारी हम अपने किसान भाई से दिलाएंगे स्टेप बाय स्टेप। यानी हमारे वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आते हैं किसान भाई से पूरी जानकारी लेते हैं। तो किसान भाई, अपना हमारे चैनल पर नाम बता दीजिए। हमारा नाम कुंभकर्ण है, ग्राम अम्बुआ मुर्तजापुर। हमारे किसान भाई का नाम है कुंभकर्ण। जो टमाटर की नर्सरी आप डाले हैं, तो टमाटर की नर्सरी से आप हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए किस विधि से नर्सरी वो डालें तो उनको अत्यधिक उपज के साथ अत्यधिक फल निकले। अगेती लोग हमसे जो टूट रहे हैं, अगेती टमाटर। अच्छा, ये अगेती टमाटर है। अगेती टमाटर होगा तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। हाँ, क्योंकि रेट अच्छा मिला। अच्छा, रेट अच्छा मिलेगा। अच्छा, जो आपने नर्सरी डाला है तो किस विधि से आप नर्सरी डाला है? इसको हम लोग जो है अगस्त महीने में नर्सरी इसको तैयार करते हैं। अच्छा, जो आपने नर्सरी तैयार किया है, किस ब्रांड का ये टमाटर है? 585। अच्छा, ये 585 है। अच्छा, टमाटर तो जो आप टमाटर की खेती कर रहे हैं, कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? लगभग 10-12 साल। अच्छा, यानी 10-12 वर्षों का आपका अच्छा तजुर्बा है। तो जो आपने नर्सरी तैयार किया है, मिनिमम कितनी हाइट का पौधा हो जाता है तो उसमें दवा की आवश्यकता पड़ने लगती है या कीड़ा वगैरह फंगस वगैरह ना लगने पाए? पेड़ जब हम लोगों का जम के आ जाता है 4-4 इंच। अच्छा, 4-4 इंच लगभग। 4-4 इंच। हाँ, तो उसके हम बाद फंगीसाइड दवा डाल देते हैं। फंगीसाइड वगैरह दवा डालते हैं जिसमें उसमें फंगस ना लगने फंगस ना लगे। अच्छा, कितनी अवस्था का पौधा हो जाता है तो खेत में रोपित कर? 25 से 30 दिन का। अच्छा, 25 से 30 दिन का टमाटर का पौधा हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद हमारे किसान भाइयों को खेत में लगाना चाहिए। पौधा अत्यधिक उपजाऊ नहीं होगा और अत्यधिक विकास की ओर नहीं बढ़ पाएगा, आप लगा देंगे तो पौधा गल सकता है, बारिश में फिर डैमेज हो जाएगा। तो अच्छा, जो आपने पौधा लगाया है टमाटर का, जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, नंबर 1 क्वालिटी का ये देखो टमाटर है, एकदम अच्छी क्वालिटी का टमाटर आया है। तो हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए, जो पौधा लगाया है, पौधे से पौधे की दूरी आप बता दीजिए। सर्वप्रथम पौधे से पौधे की दूरी करीब 18 से 20 इंच। अच्छा, 18 से 20 इंच पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। सहारा के लिए बल्लियाँ लगाई हैं, इसकी रेंज आप बता दीजिए हमारे किसान। बल्ली से बल्ली की दूरी 8 फुट। अच्छा, बल्ली से बल्ली की दूरी 8 फुट से लाइन की दूरी 1 मीटर। अच्छा, लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर। जो आपने फसल लगाया है टमाटर की, तो किस विधि से खेत को तैयार किया था वो बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को। हम लोग उधर जो अगस्त महीने में खेत पड़ा रहता है तो इसमें जो है खर पत्तर वाली दवा डालते हैं, राउंड अप। अच्छा, राउंड अप पहले सर्वप्रथम डालते हैं आप? हाँ, राउंड अप के बाद ये जो पास वास है गोबर की। अच्छा, गोबर की सड़ी हुई खाद वगैरह जो भी, मतलब पास वगैरह आप डालते हैं? पास वास डाल खेत जुताई अच्छी करके बैलों से या ट्रैक्टर से इसको कायदे से भुरभुरी करके फिर इसमें मेड़े चढ़ाई जाती है, डूढ़ी। अच्छा, जब मेड़े चढ़ाई जाती है। अच्छा, मेड़ों चढ़ाते समय कोई खाद वगैरह आप डालते हैं? फिर वो खाद जो मिट्टी में मिलाई जाए तो मेड़न पर इकट्ठा हो जाए। अच्छा अच्छा, तो अब जैसे आप पौधा आपने रोपित कर दिया, अब पौधा कितनी अवस्था का हो जाता है तो उसमें दवा की आवश्यकता पड़ने लगती है, जैसे दवा वगैरह कीटनाशक वगैरह जैसे आप डालते हैं? कीटनाशक इसमें उधर जुराई उराई लगती है तो हम लोग प्रोफेक्स है या और दवा कीटनाशक से। अच्छा, आप छिड़काव करते हैं? तो ये कितनी अवस्था का पौधा हो जाता है तो फूल देने लगता है? बस इसका जो है 1 से 1 फुट से ऊपर है जब फूल देने लगे। अच्छा, 1 फुट का पौधा यानी हाइट का हो जाता है तो फूल देने लगता है। अच्छा, तो हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दे दो, जब फूल लगने लगे तो उनको अत्यधिक फूलों को लेने के लिए कौन सी दवा डालें तो उनको अत्यधिक फूल मिल जाए और जो फूल निकले तो वो गिरे ना? फूल के लिए हम लोग एक ब्यूटान प्लस टॉनिक आती है। ब्यूटान प्लस? ब्यूटान प्लस। और टॉनिक का छिड़काव करते हैं? टॉनिक का छिड़काव करते हैं। एक्टिव है, एक्टिव प्लस है, एक्टिव प्लस डालते हैं आप? एक फल वल बाढ़ के लिए बम फ्लावर है। अच्छा, बम फ्लावर वगैरह तो बम फ्लावर है। अच्छा, फल वल के लिए। अच्छा, जो फल आपका जैसे आ गया है, जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं जो फल आ गया, अच्छा फल को रोकने के लिए कोई दवा आप डालते हैं जिससे फल में कोई रोग ना लगे और या फल झड़ने लगे तो उसके लिए कोई दवा? समय से लागत में फल वल झड़ता नहीं। अच्छा, नहीं समय से लगेगा तो फल नहीं झड़ेंगे? दवा ज्यादा आवश्यकता, हम लोग कीटनाशक ज्यादा नहीं छिड़काव करते। अच्छा, कीटनाशक का ज्यादा छिड़काव नहीं करते हैं।
अच्छा, तो हमारे किसान भाइयों को ये बता दीजिए, जो आपने लगाया कितने, लगभग कितने बिसुए आपने लगाया खेती? लगभग वही 5-6 बिसुए। अच्छा, 5-6 बिसुए। तो हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए, जो 5-6 बिसुआ है लगभग, आप एक बिसुआ से आप बता दीजिए कितना निकल आता है? जो पैदावार अगर अच्छी हो जाए तो एक बिसुए में करीब 8-10 क्विंटल टमाटर निकलता है। अच्छा, 8-10 क्विंटल उपज हो जाएगी। तो अच्छा, जो आपने लगाया है, जो आपने ब्रांड बताया है, तो इस ब्रांड का चयन कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? हम लोग बताए कवा 585 है अगेती, और उसके बाद में लेट में या हिमसोना वगैरह लगाते हैं। अच्छा, सिजेंटा कंपनी का हिमसोना थोड़ा लेट लगाते हैं। लेट लगाते हैं, यह है नामधारी का। अच्छा, नामधारी का अच्छा उन्नतशील है, कम समय में अच्छी उपज देता, खाने में भी अच्छा लगता, स्वादिष्ट। तो अच्छा, ये जो आपने बताया है कि इतने बिसुआ में इतने कुंटल निकल आता है, तो लगभग आप औसतन कितने हजार का आप इनकम कमा लेते हैं? आप जो आपने लगाया है लगभग कितना? 5 बिसुए में लगभग 1-1.25 लाख का हो जाता है। अच्छा, 1 लाख का समथिंग, यानी बीघे में 4 लाख है ना? 5 बिसुए से 1 लाख अर्न कर रहे हैं, तो बीघे में 4 लाख का। तो इसमें लगभग लागत कितनी आती है, हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए? लागत जैसे 5 बिसुए हम लोग लगाए हैं तो लगभग 10-12 हजार खर्चा आ जाएगा। अच्छा, 10-12 हजार रूपए जुताई से हार्वेस्टिंग तक, यानी तोड़ाई तक। मंडी रेट में आप बेचते हैं कि यहाँ यही आप बेचते हैं? हम लोग लोकल में बेचते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, अगर बाहर लाते हैं जब ज्यादा पकने लगता है तो जो है कि बाहर भेजते हैं। अच्छा, बाहर मंडी सप्लाई करते हैं। मंडी सप्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा, तो हमारे किसान भाइयों को ये बता दीजिए, जो आपने जो ब्रांड चयन किया है, तो इस ब्रांड का वो चयन करेंगे तो उनको अत्यधिक उपज मिले या और ब्रांड का चयन करें? अगेती अगर लगाना हो तो 585 टमाटर है, और एक आता है सत्यम। अच्छा, सत्यम भी लगा सकते हैं? सत्यम भी लगा सकते। अच्छा, जो पौधा आप, जिसे टमाटर लाल हो गया, तो कितने दिन की अवस्था में तोड़ने योग्य हो जाएगा? अभी तुड़ाई योग्य हो गया है टमाटर। अच्छा, तुड़ाई योग्य हो गया, तो ये कितने दिन पौधे में रुक सकता है, यानी आप इसे तोड़े ना? 10 दिन तक रुका रहेगा। अच्छा, पौधा यानी ये विषम परिस्थितियां आई ना, तो टमाटर है ये सब, ये देखो ये वाले तोड़ने योग्य हो गए, एक पॉट खड़ा है सब। अच्छा अच्छा, ये अच्छा टमाटर एकदम तोड़ने योग्य हो गया, काफी दिन से टूट रहा, करीब 1 महीने से टूट रहा। अच्छा, 1 महीने से तोड़ रहे हैं? तो कम पड़ेगा, नहीं बहुत फरा रहा है। अच्छा अच्छा, इतनी टाइम तोड़ाई पहले से हो रही थी? ठंडी में तो 10-15 दिन तक पका हुआ लगेगा। अच्छा, ठंडी में, यानी पौधे में रोकने के लिए लगभग ठंडी में 10-15 दिन रुक जाएगा, और जैसे गर्मियों के माह में पहुंच गया तो? गर्मी में 1 हफ्ते से ज्यादा रहेगा, पका लगा हुआ तो 1 हफ्ते बहुत है। अच्छा, पका हुआ तो 1 हफ्ते, और बाकी नॉर्मल है तो फिर थोड़ा और रुक सकता है। टमाटर लगे हैं 1 महीने से इसकी वजन लगभग, टमाटर का वजन आप बता सकते हैं हमारे किसान भाई को, एक टमाटर का वजन कितना होगा लगभग? अच्छा टमाटर, एकदम अच्छा टमाटर है तो कम से कम 100-120 ग्राम का, यानी 100-120 ग्राम का एक टमाटर होगा, है ना? यानी 1 किलो में 10 ही टमाटर चढ़ेंगे। 8-10 ही चढ़ेंगे यानी। तो हमारे किसान भाइयों को अत्यधिक उपज मिल जाएगी, यदि इस ब्रांड का चयन करते हैं हमारे किसान भाई, तो उनको अत्यधिक लागत के साथ अत्यधिक मुनाफा मिल जाएगा। जो हमारे किसान भाई ने जानकारी दी, इस जानकारी से यदि हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो उनको अत्यधिक मुनाफा मिलेगा। यदि हमारी दी हुई जानकारी हमारे किसान भाइयों को पसंद आई है, यदि हमारे चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नए नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सकें। थैंक यू सो मच किसान भाई।